ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम एवं लोकजन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज मेहंदी प्रतियोगिता जो है वो हो रही है और हमारे बीच में सरिता मैडम है जो इस मेहंदी की निर्णायक के रूप में आपको चुनित किया गया है, आप जज है इसके पूरे। तो चलिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैम बताइए किस प्रकार से ये उदयपुर का जो फेस्टिवल है त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी स्वागत। उदयपुर यह फेस्टिवल हो रहा है, बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता के रूप में इसको दर्शाया गया है और एक्चुअली छोटे छोटे बच्चों की जो कला है वो उभर के सामने आ रही है। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है और इससे उनकी क्या मतलब अंदर से शक्ति बढ़ेगी कि हाँ हम कुछ करके दिखाएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा किया है उसको देख के सब सराहनीय है। जिस प्रकार से ये मेहंदी के रंग भरे जा रहे हैं, क्या इनके जीवन में खुशियों के रंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, तभी से इनकी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना अच्छा टैलेंट है, आगे चल के और अच्छी इनकी कला बढ़ेगी और मेहंदी एक ऐसा आर्ट है कि उससे अपन कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छी ज़रूरत है और बच्चों ने बहुत अच्छी मतलब करी है, प्रैक्टिस करी है, इसके लिए भी बहुत सराहनीय है। ये बच्चे अपनी भारत कलाओं का देश माना जाता है, कला और संस्कृति का देश है हमारा। यहाँ जितना भी किया जाए उतना कम, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे स्किल की बात हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, पर्यावरण की हो, आपको क्या लगता है कि और इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट प्रशासन को और आम नागरिकों को और जनप्रतिनिधियों को सभी की भागीदारी में और क्या होना चाहिए इन बच्चों के भविष्य में? बच्चों को देखा आगे बढ़ने के लिए उनको सब कार्य करना चाहिए और ऐसी कोई भी कला नहीं है उसको आप छोड़िए। हमको जो अपना टैलेंट है वो उसको आजमाना चाहिए और बच्चों में ये है टैलेंट, ये प्रतिभाएं हैं इनमें कि वो आगे बढ़ के कुछ करें। अपने को किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेहंदी ऐसा आर्ट है कि आप इसमें आगे बढ़ के और अच्छी कला कर सकते हो, आप इसके टीचर बन सकते हो और इस कला से आप अपना कुछ भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। आज जो ये प्रतियोगिता चल रही है मेहंदी प्रतियोगिता है, लड़कों के लिए क्यों नहीं, लड़कों के पार्टिसिपेट क्यों नहीं? देखो आजकल लड़कों लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, तो इसमें मतलब लड़के भी भाग ले सकते हैं। आजकल ये प्रतिभाएं सब है पर लड़कियों का ही है कि उनके भगवान ने उनको एक टैलेंट दिया है कि हाँ इस चीज़ को अपन आगे बढ़े और कुछ करें, ये कला है। उदयपुर के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कोई टास्क दी जाए, उनको कोई प्रतियोगिता के पेंटिंग पोस्टर के माध्यम से दिया जाए, उदयपुर को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर। और मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है उदयपुर के प्रति? सर उदयपुर तो वैसे भी टैलेंटेड है हर प्रतिभाओं में, ड्राइंग में और कलाकारी में, और यहाँ के ट्रेडिशनल जो मानने हैं वो सब इसी कलाओं से निकले हुए हैं। मेहंदी एक ऐसी है जो अपन मानने वगैरह जो भी है अपने ट्रेडिशनल के लिए उसमें दर्शाते हैं और अपने को ये चीज़ है ना मन से करनी चाहिए, जो मन से किया हुआ है वो आगे बढ़ेगा बच्चा और ये सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, उदयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो ये प्रश्न था कि मेहंदी में लड़के क्यों नहीं है, इसका मैं समन्वय के नाते आपको जवाब देना चाहूँगा। हमने तो प्रपत्र स्कूलों में भेजा, इसमें हमने कहीं नहीं लिखा कि मेहंदी लड़कियों के लिए, हमने सिर्फ महिलाओं का प्रूफ लिखा अलग से, पर जूनियर और सीनियर वर्ग जो बच्चों के लिए था 5वीं से 8वीं उसमें एंट्री ओपन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखी थी और हर टीचर ने कोशिश की कि क्लास में अनाउंस किया है कि मेहंदी प्रतियोगिता बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है, पर वो कहते हैं कि लड़के इतने शाही होते हैं कि मेहंदी लगाने जाएंगे तो उनके मानने मानने ज़्यादा है, तो किसी ने भी प्रतिभा होते हुए भी किसी ने अपने आप को वॉलंटियर नहीं किया। उनको पोस्टर पोस्टर की दे सकते पोस्टर अपने देखा हो चित्रकला प्रतियोगिता का देखा हो चित्रकला को कैसे निकाला जाए वो अगले हो सकता है उनका कॉम्पिटिशन अलग से करें ताकि उनको ये झिझक लगे ही नहीं, वो बॉयज का मेहंदी कॉम्पिटिशन ट्राई कर सकते कॉमन।
ताकि तुम कोई अंतर नहीं है, ये कला है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत